हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो कंप्यूटर एंड टेक पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं निशांत और आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है, जरूरी है कि आपके पास स्मार्टफोन होगा ही तो भी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, और स्मार्टफोन को आप चार्ज जरूर करते हैं, तो चार्जिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, हम जब भी स्मार्टफोन आपके पास होता है तो स्मार्टफोन की अभी आपने बहुत सारी घटनाएं सुन सकते हैं, स्मार्टफोन ब्लास्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इन सब का रीजंस क्या है, उन पे चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कि अगर बहुत सारे स्मार्टफोन ब्लास्ट होते हैं तो उनका सबसे बड़ा कारण ये है कि ओवर चार्जिंग। ओवर चार्जिंग इट मीन्स कि जब आप रात के समय सो रहे हैं तो आपने अपने मोबाइल को चार्ज में लगा दिया, ठीक है, चार्ज में लगाने के बाद आप सो गए और रात भर मोबाइल चार्ज में ही लगा रहा और चार्ज होते रहा। लेकिन अगर आपके मोबाइल में ऑटो चार्जिंग कट ऑफ फीचर अवेलेबल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फुल चार्ज होने के बाद वो उसके इलेक्ट्रिसिटी को ऑटो कट कर देता है। लेकिन अगर आपके स्मार्टफोन में ये फीचर अवेलेबल नहीं है तब तो प्रॉब्लम होना है, आपकी बैटरी ओवर हीट हो सकती है, बैटरी फुल भी जाती है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ऐसा करना गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, फ़ोन को जब भी आप चार्ज करते हैं तो इस पर कोई चीज़ ना रखें। इट मीन्स कि कितने लोग ऐसे करते हैं कि जब आप चार्ज में फ़ोन अपने फ़ोन को चार्ज में लगा के तकिए के नीचे लगा देते हैं, तो ये भी गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मोबाइल ओवर हीट होता है और उस पर मोबाइल पे बहुत सारा असर पड़ता है, जिससे मोबाइल में कोई ना कोई प्रॉब्लम आना ही आना है, तो ऐसा ना करें, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाया है तो चार्ज होते समय फ़ोन पर गेम ना खेलें, साथ ही कोई मूवी हो वीडियो हो ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि उस दौरान जो बैटरी होता है सेलफोन का, जो बैटरी होता है उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, और वो हीट भी होता है। तो इस तरह से जब चार्जिंग में आपका फ़ोन लगा हुआ तो कोशिश करें कि कोई किसी भी तरह का यूज उस फ़ोन से, मतलब किसी भी तरह का काम ना लें, ठीक है। अगला स्टेप है कि फ़ोन चार्ज करते समय ना तो फ़ोन रिसीव करें ना ही फ़ोन डायल करें। इसके साथ ही फ़ोन को कभी भी एक्सटेंशन कार्ड्स के साथ चार्ज ना करें, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉर्ड को सॉकेट ख़राब हो तो इससे स्मार्टफोन पर भी असर पड़ सकता है, अगर आप किसी तरह का एक्सटेंशन कॉर्ड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, फ़ोन चार्ज करते समय उसे सीधे धूप में रखें, मतलब कि गर्म जगह से बचा के रखना है। जब आप स्मार्टफोन को चार्ज में लगाते हैं तो किसी भी गर्म जगह पे कोशिश करें कि गर्म जगह पे ना रहें, और ये भी अगर पॉसिबल हो तो अपने स्मार्टफोन का जो बैक कवर होता है उसको भी रिमूव कर दें जब तक आप उसे चार्ज में लगाया हो, ठीक है। नेक्स्ट है, हमेशा फ़ोन को उसके ओरिजिनल चार्जर से ही चार्ज करें, तब उसकी लाइफ बनी रहेगी, बैटरी की भी लाइफ बनी रहेगी और आपके स्मार्टफोन की भी लाइफ बनी रहेगी, ठीक है। और लास्ट जो मामला है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप अपने मोबाइल का जो आपका स्मार्टफोन है उसकी बैटरी भी उसमें ओरिजिनल ही यूज करें, अगर ख़त्म भी होता है तो डुप्लीकेसी ना करें, क्योंकि इसका असर आपके स्मार्टफोन पर भी पड़ता है, ठीक है।